हे गाइस, वेलकम टू अभिनी ऑटो व्लॉग्स। मेरा नाम है अभिषेक और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑल न्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो 2022, जिसकी एक स्पाइड वीडियो सामने आई है और इसका जो इंटीरियर है वो पूरी तरीके से रिवील हो जाता है। सो इस वीडियो क्रेडिट जाता है rushlane.com, जिन्होंने इस वीडियो को कैप्चर किया और हम लोग के साथ शेयर किया। सो गाइस, वीडियो को आगे देखने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं। सो गाइज, ये है अपकमिंग स्कॉर्पियो 2022 सेवन सीट लेआउट के साथ, टॉप स्पेक वेरिएंट में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे पहले नोटिसेबल चीज़ है वो है इसके इंटीरियर थीम। टैन ब्राउन और ब्लैक कलर में आपको इसकी इंटीरियर थीम मिलती है। साथ ही जो इसका एंटरटेनमेंट सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, 7 to 8 इंचेस का यहाँ पर देखकर पता चलता है। और वर्टिकल एयर वेंट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे एसी के। पियानो ब्लैक फिनिश का यूज़ किया गया है सेंटर कंसोल के आसपास, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम इसको बना देता है। सॉफ्ट टच मटीरियल का कहीं भी यूज़ नहीं है, ओनली जो हार्ड प्लास्टिक है उसी का यहाँ पर यूज़ किया गया है। रोटरी नॉब्स मिल जाती है एंटरटेनमेंट सिस्टम यूज़ करने के लिए, वॉल्यूम और पावर, और साथ में और फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिलता है, उसी के नीचे आपको फिजिकल बटन्स मिल जाते हैं जो सेम हमने XUV700 और थार के अंदर देखे हैं। ये है इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लीवर जो कि लेदरीड गियर नॉब के साथ है। कन्वेंशनल ही यहाँ पर मिल जाते हैं आपको हैंड ब्रेक और दो कप होल्डर्स भी मिल जाते हैं। अगर आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखेंगे तो यहाँ पर ट्विन पॉड में मिलता है एक टैकोमीटर, एक स्पीडोमीटर, बीच में मिल जाती है एक MID। डी कट स्टाइल में स्टीयरिंग व्हील मिलता है, एक साइड मिल जाते हैं इसके ऑडियो कंट्रोल्स के बटन और एक साइड मिल जाते हैं क्रूज कंट्रोल के बटन। ऊपर आपको मिल जाते हैं सनशेड और यहाँ पर आप एक स्पीकर देख पा रहे हैं। दो स्पीकर्स आपको रूफ माउंटेड फ्रंट में मिलेंगे और दो बैक में मिलेंगे। यहाँ पर आपको सनरूफ भी देख कर पता चल जाता है कि यहाँ पर सनरूफ भी मिलने वाली है। जो हेडरेस्ट है वो आपको एडजस्टेबल मिल जाते हैं फ्रंट रो में भी, साथ ही आपको रियर जो सेकंड रो है वहाँ पर भी, और जो थर्ड रो है वहाँ पर भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड जो रो है वहाँ पर आपको 60:40 की स्प्लिट सीट्स मिल जाती हैं। अगर आप इसकी थर्ड रो देखेंगे तो वहाँ पर मिलते हैं फ्रंट फेसिंग सीट्स, जो जंप सीट्स मिलती हैं करंट वर्जन के अंदर, और जो साइड फेसिंग सीट्स मिलती हैं उनको बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। क्योंकि अगर हम बात करें एक ऐसे बायर की जिसको एक फैमिली कार चाहिए तो उसको साइड फेसिंग और जंप सीट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सो महिंद्रा ने इसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रख के एक स्कॉर्पियो को भी डिज़ाइन किया है। और रियर में आप देख सकते हैं दो ऑक्यूपेंट्स ईजिली यहाँ पर बैठ सकते हैं। दो स्पीकर्स आपको रियर में देखने के लिए मिल जाएंगे वहाँ पर प्लेस्ड हैं। जो क्रैब हैंडल्स है वो आपको थर्ड रो में भी मिलते हैं। ऊपर के साइड आपको रूफ लाइट्स मिल जाती हैं और जो सनरूफ है वो भी काफ़ी बढ़िया यहाँ पर लग रही है। अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो डे और नाइट का IFM मिल जाता है। सोनी के स्पीकर्स इसके अंदर आने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डैशबोर्ड के ऊपर ही एक स्पीकर यहाँ पर आपको देखकर मिल रहा है और जो कि सोनी का है, जिससे पता चलता है कि इसके अंदर सोनी का ही म्यूज़िक सिस्टम आने वाला है। अब वो आगे देखना होगा कि इसके अंदर आपको मिलता है 3D साउंड या फिर नहीं। सनग्लास होल्डर आपको यहीं पर मिल जाता है। सनरूफ के जो बटन है ऑपरेट करने के लिए वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। और जो कैबिन की लाइट है वो भी आपको यहाँ पर देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पर दी हुई है। सो ओवरऑल जो इसका इंटीरियर है वो पूरी तरीके से रिवील हो गया है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम आपको यहाँ पर इंटीरियर देखने के लिए मिल जाता है स्कॉर्पियो 2022 का। सो गाइस, ये था एक आप लोगों के लिए अपडेट स्कॉर्पियो का इंटीरियर कैसा होने वाला है। ये स्पाइड वीडियो आई थी जो कि मैंने आप लोगों को इन डिटेल समझा दिया है। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग अपडेट्स आपको हमारे साथ मिलते रहते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड बाय बाय।